हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ इंडिया वर्सेस कनाडा के रिलेटेड। आप लोग इकोनॉमिक्स टाइम का न्यूज़ का कटिंग देख सकते हो। इंडिया प्रपोज टू कैंसल ओसीआई कार्ड ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट इन कनाडा यूएस यूके। हिंदुस्तान टाइम का न्यूज़ है इंडिया कनाडा रो वीजा सस्पेंशन विल नॉट अफेक्ट ओसीआई सर्विसेज सेज ऑफिशियल। फ्री प्रेस जर्नल का न्यूज़ है मेगा क्रैकडाउन बाय इंडिया ओसीआई कार्ड ऑफ खालिस्तानी टेररिस्ट इन यूएस यूके कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया टू बी कैंसल्ड प्रॉपर्टीज टू बी कॉन्फिस्केटेड। यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा हो चुका है खालिस्तानी टेररिस्ट के ऊपर, और इसके ऊपर कनाडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी अपने ही कंट्री पे हेट मिल रहा है क्योंकि वो खालिस्तानी टेररिस्ट को अपने जगह पे पना दे रखा है। तो इसके ऊपर टोरंटो में उनके एक इवेंट पे ट्रूडो गो बैक का नारा भी लगा है, आप लोग ये देख सकते हो। और एक वीडियो है जहां पर यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की ट्रूडो एक साथ एक होटल से निकल रहे थे, तब भी कनाडियन सिटीजन्स का आक्रोश देखा गया है, आप लोग ये देखिए। इसके ऊपर एक वोमेन ने जस्टिन ट्रूडो के सामने ही उनके बुराइयां गिना दिया है, आप लोग ये भी देख सकते हो। Is you've sold us out to globalism. Okay. You are not working for Canada. You are working for your globalist partners. I wonder how much they're paying you to betray Canada. Okay. What do we do with traitors in Canada, Mr. Trudeau? We used to hang them for treason. And you're doing that very same thing to us now. Okay. We know what you're doing. But you can start with the oil question. Okay. विरोध के कारण से अब जस्टिन ट्रूडो भी कुछ एक्शन लिए हैं। उन्होंने खालिस्तान टेररिस्ट के बैनर्स को कनाडा से हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दिया है, आप लोग ये देखिए। आप लोगों को इसके ऊपर क्या राय है कमेंट पर बताना। ऐसा और वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना।